हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेजु टेक में। और आज हम सीखने वाले हैं लेक्चर 7 ऑफ एचटीएमएल सीरीज। सो बहुत दिनों के बाद लेक्चर 7 आया है, बहुत से काम हो जाते हैं, उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर 7, डिस्कस अबाउट कोटेशंस एंड साइटेशन एलिमेंट्स। अब ये एलिमेंट्स क्या होते हैं हम इनके बारे में पढ़ेंगे, कोटेशन, साइटेशन और एक और फीचर है, जैसे कि हम हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है कि हम कमेंट्स ऐड करते हैं, वो कमेंट्स जो ब्राउजर शो नहीं करता लेकिन एज ए प्रोग्रामर हमें वो लिखने पड़ते हैं, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। HTML क्यू एलिमेंट फॉर शॉर्ट कोटेशंस। The HTML queue element define a short quotation. जो HTML का जो queue element आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला angles bracket में, जैसे मैंने आपको बताया था, और ये एक short quotation को define करते हैं। जैसे कि कोई paragraph है, वहाँ पे कोई main heading आ चुकी है, ठीक है, किसी पैराग्राफ में कुछ ऐसा एक वर्ड आ गया है या ऐसी कोई एक लाइन आ गई है कि जो मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप उसे कोटेशन में डिफाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम क्यू एलिमेंट का यूज कर सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं छोटा सा, ये देखिए, ये हमने लिया एक पैराग्राफ टैग पी टैग और हमने लिखा WWF's goal is to, ये पैराग्राफ के अंदर है, ठीक है, सारी चीजें, और इज टू, और ये देखिए यहां से जो है ये हमारा कोटेशन जो एलिमेंट है या आप टैग बोल सकते हो वो चालू हो गया है, और बिल्ड ए फ्यूचर वेयर पीपल लिव इन हार्मनी विद नेचर, ये कोटेशन टैग जो हमने बंद कर दिया है। लास्ट में हमने पैराग्राफ टैग बंद कर, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, जो टैग हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उसको सबसे बाद में हमें एंड करना होता है, और एंड करने का जो सिंबल होता है वो ये वाला होता है, स्लैश वाला। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर आप यहाँ पे डबल कोट्स भी यूज करेंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन क्या होता है कई बार आप कहीं पे जॉब कर रहे होते हैं या किसी इंटरव्यू में आप गए हुए होते हैं और वो बोलेगा कि आप एक ऐसा पैराग्राफ मतलब लिखिए जिसके अंदर कोटेशंस का यूज हुआ हो, ठीक है, वहां पे आप थोड़ा सा क्या करेंगे, सीधा कोटेशन का यूज कर देंगे, और जो इंटरव्यूअर है वो क्या सोचेगा कि इसे कोटेशन टैग के बारे में पता ही नहीं है, तो हमें पता होना चाहिए, अगर वो पूछे भी बाद में तो आप बता सकते हो कि इसका मीनिंग ये होता है, बाकी आप सिंपल से भी यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके आउटपुट देखते हैं, आउटपुट क्या आएगी, ये देखिए इसके आउटपुट ये आएगी। आप वैसे भी यूज कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सीधे भी कोटेशन का यूज कर सकते हो, लेकिन ये देखिए आपने अपना जो कोड है वहां पे लिखा है कोटेशन का टैग, अगर आप कोड के अंदर भी डबल कोट लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये दिखने में एक ऐसा लग रहा है कि आपने अच्छी प्रोग्रामिंग करी है, ठीक है। अब बात करते हैं एब्रिवेशन एलिमेंट या टैग। एब्रिवेशन क्या होती है, एब्रिवेशन बोले तो जैसे कि किसी टिपिकल या बहुत बड़ी हेडिंग को छोटी सी हेडिंग के रूप में प्रदर्शित करना, ठीक है। हमें देखते हैं द एचटीएमएल एबीआर एलिमेंट डिफाइंस एब्रिवेशन और एक्रोनिम, ठीक है, जैसे कि आप पढ़ पा रहे हैं समझ भी पा रहे होंगे कि हाँ इसका मीनिंग होता क्या है। और एब्रीवेशन कैन गिव यूजफुल इंफॉर्मेशन टू ब्राउजर्स एंड सर्च इंजन्स। जो एब्रीवेशन हम यूज करते हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूजफुल मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है ब्राउजर्स को और सर्च इंजन को, कि जैसे कि आप मान लीजिए आप लिखना चाहते हैं ICC, ठीक है, ICC का मतलब होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अगर आप सीधा इसको सर्च इंजन में लिखेंगे तो आपके लिए बहुत मतलब टिपिकल तो नहीं होगा लेकिन आपको लिखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। अगर आप सीधा ICC टाइप करते हो तो भी सर्च इंजन वही खोल के देता है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि सर्च इंजन को ICC और
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल फाउंड करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप सीधा आईसीसी ही लिखिए एब्रिवेशन के लिए, ठीक है? इससे सर्च इंजन ज्यादा तेजी से उसे सर्च करता है, ठीक है? तो एग्जांपल देखते हैं, ये देखिए हमने यहाँ पे फिर से पैराग्राफ टैग लिया और ये कर दिया स्टार्ट, द एब्रिविएशन वाला टैग स्टार्ट करा और उसके अंदर ही हमें टाइटल दे दिया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? और अभी ये पहले वाला जो स्टार्ट टैग है उसे हमने बंद ही नहीं किया, बंद बोले तो हमने उसकी राइट शिवरन लगाई नहीं है ये वाली, ठीक है? ये लगा दी, टाइटल इसके अंदर ही है और ये WHO जो है ये एब्रीवेशन के अंदर ही है और एब्रीवेशन वाला जो टैग है वो यहाँ पे बंद हुआ है, ठीक है? वाज फाउंडेड इन 1948 द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO वाज फाउंडेड इन 1948। अगर आप गूगल में या किसी भी सर्च इंजन में सीधा लिखते हो WHO तो वो आपको सीधा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की साइट पे ले जाएगा। से बोलते हैं एब्रिवेशन का यूज इन एचटीएमएल फॉर बेनिफिट्स, ठीक है? अब बात करते हैं साइट एलिमेंट, एचटीएमएल का साइट एलिमेंट और कमेंट टैग, ये दोनों होते क्या हैं और साइट टैग का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है। द एचटीएमएल साइट एलिमेंट डिफाइंस द टाइटल ऑफ द वर्क। अभी देखिए आप कोई भी मान लीजिए कोई भी इमेज है, ठीक है? मान लीजिए एक इमेज है जिसमें इंडियन फ्लैग है, ठीक है? अब उसका टाइटल होगा द इंडियन फ्लैग, ठीक है? और या फिर ये लगा लीजिए इंडियन फ्लैग के साथ एक छोटा सा बच्चा खड़ा है तो उसका टाइटल हम दे सकते हैं आई लव माई इंडिया, ठीक है? तो साइड एलिमेंट क्या करता है, उस टाइटल को डिफाइन करता है। डिफाइन बोले तो सिंपल भाषा में क्या है, साइट क्या करेगा उसको इटैलिक फॉर्मेशन दे देगा उस टाइटल को, ठीक है? ब्राउजर्स यूजुअली डिस्प्ले साइट एलिमेंट इन इटैलिक, ठीक है? अब इटैलिक बोले तो इसका अब आप बोलोगे कि हमें इटैलिक ही करना है तो हम वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसका मीनिंग क्या है कि अगर इंटरव्यूअर ने पूछ लिया कि भाई साइट जो एलिमेंट है एचटीएमएल में उसका यूज क्या होता है, तो अगर आपको वहां पे पता ही नहीं होगा कि साइट एलिमेंट से इटैलिक फॉर्म में हम टाइटल को कन्वर्ट करते हैं और मतलब अच्छे ढंग से प्रदर्शित करने के लिए उसे साइट एलिमेंट का यूज करते हैं, ठीक है? एक एग्जांपल देखते हैं इसका छोटा सा। ये देखिए हमने एक पैराग्राफ टैग लिया और ये साइट टैग हमने साथ ही साथ ले लिया, इसमें लिखा इंडिया और साइट टैग हमने बंद कर दिया इज अ ग्रेट कंट्री। अब यहाँ पे क्या होगा, इंडिया जो है इंडिया का कि जो हमारा जो ब्राउजर शो करेगा वो इटैलिक में करेगा, ठीक है? तो इंडिया जो है इटैलिक में शो होगा और इज अ ग्रेट कंट्री वो सिंपल फॉर्म में होगा, जो सिंपल हमारी फॉर्म है टेक्स्ट की, ठीक है? जो हमने लिखा है एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, लेकिन जो इंडिया है वो इटैलिक फॉर्म में मतलब ब्राउजर पे शो होगा। और यही होता है साइट एलिमेंट इन एचटीएमएल। ये सारे इंटरव्यू के क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं और HTML कमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस में अगर आप फैमिलियर हैं थोड़ा बहुत तो वहाँ पे कमेंट्स लिखते हैं। अगर आप फैमिलियर नहीं हैं तो फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ हम कमेंट्स लिखते हैं। जैसे कि हमने लिखा, जैसे कि आप यही लगा लीजिए कि हमने ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है? ये वाला एग्जाम्पल हमने लिया पी टैग के साथ और हमने इसके ऊपर लिख दिया। सबसे पहले आप देखिए HTML कमेंट्स की का सिंटैक्स क्या होता है, ठीक है? विद कमेंट्स यू कैन प्लेस नोटिफिकेशन एंड रिमाइंडर्स इन HTML। इसका सिंटैक्स ये होता है, ठीक है? सिंटैक्स में क्या होता है कि ये जो ये मार्क है, ये मार्क जो है ये स्टार्ट तो हो रहा है लेकिन एंड नहीं हो रहा है इसका, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर हम यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं, इस एग्जाम्पल में हम ऊपर लिखेंगे, अगर हम यहाँ पे इसको काट के लिख देते हैं कि देर इज अ यूज ऑफ साइट एलिमेंट इन दिस एग्जाम्पल, तो ये एक कमेंट हो गया अपने लीडर को या टीम लीडर को दिखाने के लिए कि हाँ सर कहाँ पे हमने क्या काम किया है, ठीक है? या फिर हमारा जो क्लाइंट है उसको शो करने के लिए। ब्राउजर इसको शो नहीं करेगा लेकिन ये हमने जो कोडिंग करी है उस कोडिंग के बारे में एक बढ़िया सी इंफॉर्मेशन दे देगा कि हाँ भाई उसे सिंपल से सिंपल बंदा भी उसे समझ सकता है कि ये है क्या। सो कमेंट वही होते हैं
जिसे पढ़कर एक नॉर्मल बंदा भी उसको समझ ले, ठीक है। सो आई होप गाइस यू एंजॉय दिस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज 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 सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एजुटेक। और हमने 7 लेक्चर पूरे कर लिए हैं अपने इस सीरीज के, और मेरे हिसाब से 7 लेक्चर बहुत हैं एचटीएमएल के लिए और एचटीएमएल बेसिक्स के लिए। एचटीएमएल के लिए तो बहुत लेक्चर हैं, वैसे तो बहुत सारे एलिमेंट हैं, लेकिन बेसिक के लिए इतना बहुत है। और हम अब स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन का कोर्स, और पाइथन के साथ साथ बीच बीच में एक दो वीडियो एचटीएमएल 5 पे भी आती रहेंगी, और एचटीएमएल सीरीज की के जो एग्जांपल हैं वो चलते रहेंगे, ठीक है। और पाइथन का मैं कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ अप्रोक्स, ये लगा लीजिए आप ट्यूसडे को पहली वीडियो आ जाएगी पाइथन की, ट्यूसडे यानी कि 26 को। और थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एजुटेक। और वेब डिज़ाइनिंग भी आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा यहाँ पे। और HTML 5 के बाद हम स्टार्ट करेंगे CSS, और जावास्क्रिप्ट भी आएगी, SQL भी आएगा, और बूटस्ट्रैपिंग भी, AJAX भी, jQuery भी, सब कुछ मैं लाने वाला हूँ इस सीरीज़ में। और पाइथन की बहुत डिमांड चल रही है आजकल, तो पाइथन मैंने सोचा कि पाइथन को लेके आऊँ और सिखाऊँ, ठीक है, कुछ हेल्प मिल सके। और प्लीज 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 अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एजुटेक। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने टीचर के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ। और देखते रहिए आपका अपना एजुटेक, थैंक यू।